लोकसभा चुनावों को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से आक्रामक प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बीते दो माह में पार्टी अब तक 80 से अधिक विजय संकल्प रैली आयोजित कर चुकी है। इसी कड़ी में मंगलवार को जुलाना में रैली आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। इस दौरान खट्टर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा कि हार के डर से वो इस बार चुनाव मैदान से दूर हैं। कांग्रेस के घबराहट के दो कारण हैं। एक कारण तो हार का कारण है, उन्होंने हार गए, क्योंकि हारने के लिए इतना संकेत बहुत है कि जब हुड्डा जी से पूछा गया कि इस बार दोनों क्यों नहीं लड़ रहे, कहने लगे पिछली बार बापू बेटा दोनों लड़ रहे थे और एक की गुटी तो सोनीपत के लोगों ने लगा दी थी और एक की गुटी रोहतक के लोगों ने लगा दी थी, दोनों हार गए थे, उनको दोनों का कष्ट हुआ था। हारे 10 थे लेकिन 8 का कष्ट नहीं था, कष्ट तो 2 का कमल हुआ था ये बापू बेटा को। वहीं मंत्री महिपाल ढाणा जनसभा में लोगों को समझाते दिखे कि लक्ष्मी माता हमेशा कमल पर सवार होकर आती हैं, वो कभी पंजा हाथी या साइकिल पर सवार होकर नहीं आती, इसलिए विकास के लिए बीजेपी को वोट दें। विकास किस चीज से होता है? विकास होता है पैसे से, और पैसा आता कहाँ से? पैसा आएगा जब आप लोग लक्ष्मी मैया की पूजा करोगे, पूजा करके उसको लेकर आओगे, बुलाओगे तो लक्ष्मी मैया जी को बुलाओगे। तो भाई आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी हाथ पर बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मायावती के हाथी पर बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मुलायम सिंह का साइकिल चला के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी चश्मे पर आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी झाड़ू पर आई हो? मित्रों, लक्ष्मी सदा कमल पर बैठ कर आती है, आपने कमल गिराया। बताओ हिंदुस्तान में तरक्की उन्नति प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही? भाइयों, इससे उन्नति प्रगति तरक्की के रास्ते मनोहरलाल जी और मोदी जी ने खोले। वहीं सोनीपत से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब परिवार को हक दिया और दुनिया में देश का मान बढ़ाया। आज ये लोकसभा 2024 का चुनाव और जो आप सब भारतीय जनता पार्टी के आज बड़े परिवार में शामिल भी हुए हैं और आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए भी पहुंचे हैं, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि इस चुनाव में जिस प्रकार से आपने 2014 से 2024 तक बदलते हुए भारत को देखा है, किस प्रकार से देश में विकास की गति को तेज करने का काम किया, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अनेक उपलब्धियां हैं जिनसे प्रभावित होकर आज आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से सरकार चलाने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, 36 बिरादरी को सम्मान देते हुए इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प आपने लिया है और जो पूरे देश में एक नारा चला कि अब की बार 400 पार, जोश के साथ बोलेंगे अब की बार। बता दें कि लगातार दो बार से हुड्डा परिवार का गढ़ माने जाने वाले सोनीपत सीट से जीत रही बीजेपी ने इस बार हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। जुलाना से विजेंद्र बाबा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।